बेचारा मुर्गी हो गया लो। This is the future. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? फिर लचिंग आपका भाई फिर सबके लिए एक और नया गेम प्ले लेकर हाजिर हो चुका है, जिसमें आपको फुल क्लच और रात देखने को मिलेगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो और बेल आइकन कॉल पर रख देना। फिलहाल हम लोग उतरते हैं यसना पे, उतरते ही मेरे को पीपी वर्जन मिलता है, उससे करते हैं रास। और आज भाई तो ऐसे ही क्लच देखने को मिलेगा कि आप लोग सबके सब एक ही साथ में सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे। तो चलो चलते अपने गेम प्ले स्टार्ट करते। मैं ऊपर आने से थोड़ा डर जाता क्योंकि मेरे पास हेलमेट और वेस्ट दोनों ही नहीं था, इसलिए मेरा टीममेट पहले आता है उसके बाद में। तो यहाँ पर सोचते कि एक बंदा होगा शायद, तो यहाँ पर बंदा नहीं बल्कि एक बॉट रहते हैं, तो इससे मारते मार के अपना केडी बढ़ाते। बॉट भाई सबको मारने के बाद पीछे वाले टू स्टोरी से एक तो बंदा किसी के ऊपर फायरिंग कर रहा था, तो चलो उसे भी खेलते। तो इस भाई सबको यहाँ पर नॉक करते हैं, तो जल्दी से करते इन पर रास। उसी टाइम ठीक पीछे वाले अपार्टमेंट से हम लोग के ऊपर आते हैं फायरिंग। और आज का भाई मेरा टीममेट तो भाई हाथ ही पार कर दिया, क्योंकि आज कैश कम करने वाला मेरा टीममेट, आप खुद ही देखो तब जाकर आपको पता चलेगा। यहाँ पर तो भाई लोग कैंपर करना स्टार्ट कर दिया। एक बंदा पहले लेटा हुआ था और पीछे वाले गेट के पास एक बंदा बैठ के गोली फायरिंग किया मेरे ऊपर, इसलिए मैं नॉक हो चुका हूँ। मेरे टीममेट ने इन दोनों को मारता है, मारने के बाद मैं कहता हूँ कि नीचे आ जाओ, कि नीचे नहीं आता है बल्कि सीढ़ी के पास खिड़की के पास रहता है, तो उसी टाइम पीछे से गोली आता है, ये भी नॉक। तो फिर से हम लोग जल्दी से रिकॉल होकर आते। अभी मेरा टीममेट का बातें थोड़ा सुन लो ध्यान से। मेरे टीम ने कहा कि यस एन में उतर जाओ, तो मैं मैप खुल के देखा कि वो खुद बैठा है सेवर्नी में और मेरे को बोला कि यस एन में, तब पूछा तो क्या कह रहे हो भूल करे नाम तो बोले पहले जी हमारा तो ওখানে প্লেন কা দি দে। तो मैं यस एन में उतर जाते, थोड़ा सा बहुत लूट शूट करने के बाद आगे वाला घर पे जाते। उसी टाइम उसके पीछे वाला टू स्टोरी से फायरिंग का साउंड आता है, तो करते उनके ऊपर पहले नेट। यहाँ पर एक नॉक, अभी दूसरा नेट। पर हो जाते दोनों बंदे ही खत्म। तो जल्दी से चलते हैं छत पे, हीलिंग विलिंग करते हैं और थोड़ा लूट शूट कर लेते हैं। उसी टाइम मेरे को पास वाले घर से मेरे को नेट का साउंड आता है, तो एक बंद रहते हैं आगे वाला स्क्वाड हाउस पर और दूसरा वाला बंद रहते हैं लेफ्ट साइड में टू स्टोरी के ऊपर। जल्दी से करते हैं इन पर रस। उसी टाइम इसका टीममेट भी नीचे से आ रहा था मेरे ऊपर रस करने के लिए। नॉक वाले भाई सबको मारने के बाद मैं थोड़ा हीलिंग विलिंग करते गन को रिलोड करते, उसी टाइम आ जाते इसका टीममेट, करते इन पर भी रस। बेचारा मुर्गी हो गया लो। जल्दी से यहाँ पर लूट शूट करते हैं क्योंकि जोन भी आ चुका था, इसलिए जल्दी से भागते जोन के पास। उसी टाइम मेरे ऊपर फायरिंग स्टार्ट हो जाता है, तो फिलहाल जल्दी से दौड़ के मैं चलता हूँ जोन के अंदर। फिलहाल तो मैं रोड के ऊपर आके लेट जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई कवर नहीं था, तो मैं जल्दी सोचता हूँ कि मैं अभी भी जोन के बाहर है, तो जल्दी से जोन के अंदर आके यहाँ पर एक बंदे देखते पहले उससे पहलते। लेफ्ट साइड ब्रिज के ऊपर भी दो स्क्वाड बाकी था, उसी टाइम लेफ्ट साइड से एक रासिया आता है, मुझ पर करते रस। अभी जो यहाँ पर क्लच देखने को मिलेगा ना, एक क्लच देखने के बाद आप लोग खुद ब खुद सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे।
क्यों कैसा लगा क्लच? अब ये वही वाले हैं दोस्तों जहाँ पर आप लोग एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर देना चाहिए, पढ़ोगे ना? इस डे वाले भाई सबके टीममेट को तो मैंने 1 HP छोड़ा था, तो ऊपर जाते ही ये जोन के बकरन हो जाता है नॉक, तो करते हैं इनपर ड्रास। इसे कैसे मिल जाता है उन्होंने चिकन डिनर जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन कॉल पे जरूर रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।